नमस्कार दोस्तों, आपके अपने टेक्निकल रामप्रवेश राजभर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मेरा नाम भी रामप्रवेश राजभर है। तो आज हम इस टॉपिक के साथ इस वीडियो को लाए हैं कि आधार कार्ड के ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम के चैप्टर 9 के चैप्टर 6 के बारे में आज पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैप्चर जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक विवरण, तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। और इसके पहले अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन अब तक आपने नहीं करवाया है तो आप मेरी वीडियो को देखकर रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। और देखिए, हमने हिंदी 510 क्वेश्चन बैंक, देखिए यहाँ पे 24/12/2019 को यही है जो PDF है, इसी से क्वेश्चन 2021 में भी आते हैं और यही क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आज हम चैप्टर 6 से एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है इसको आज हम कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस को बारी बारी पढ़कर उसका आंसर भी बताएंगे। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी को बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। इसका जो सटीक आंसर है वो एक नंबर है, सच है। तो उस पर हम देखिए यहाँ पे ट्रिक करके आप दिखाते हैं कि देखिए ये सच है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि उंगलियां न होने के कारण नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में समर्थ न हो, यह एक ब्लैंक है, इसे निपटने की आवश्यकता है। इसका जो सटीक आंसर है 4 नंबर, एक्सेप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन से, यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आयरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं हो तो ऑपरेटर ब्लैंक द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना। इसका जो सटीक आंसर है 1 नंबर, सही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो उसको आप कवर करिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस आप भी पढ़िए, मैं आप पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और आंसर भी सुनिए। अगर निवासी ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। इसका जो सटीक आंसर है, सच, कोई प्रॉब्लम नहीं होता लेने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने में दौरान अगर उंगलियाँ ब्लैंक है तो इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाना चाहिए। इसका जो सटीक आंसर है 4 नंबर है। और इसका जो उसके लापता कटी हुई और फटी हुई उंगलियाँ ऑप्शन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन से, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले स्थान पर स्थानांतर स्टेशन करना चाहिए। इसका जो सटीक आंसर है, सच है। अगले क्वेश्चन अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगर आवेदन की पट्टी वाली उंगलियों को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को ब्लैंक चाहिए। तो इसका जो सटीक आंसर है 2 नंबर, शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए और जो अतिरिक्त उंगलियां उनको अनदेखा कर देना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रुखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्ण अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। इसका जो सटीक आंसर है 2 नंबर, झूठ, भाई चेहरा क्यों धोने के लिए कहेगा फिंगरप्रिंट जब नहीं आ रहा है तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर ने निवासी की बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिया है और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो इसका जो सटीक आंसर है, सच है। इसको बार बार प्रयास करना है, इसका क्वेश्चंस का ये मतलब है, तो सच आपको करना है। इसके बाद, यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आयरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी के आँखों ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। इसका जो सटीक आंसर है वो है सच, ये झूठ है। ऑपरेशन करने के लिए क्यों कहेगा भाई, गलत सजेशंस किसी को नहीं देने हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अगला है, बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर ब्लैंक को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। इसका जो सटीक आंसर है वो है 4 नंबर, जिसमें ऑप्शन दिए गए 2 है, अपवाद फोटो में दोनों हाथ और अपवाद फोटो में खुली आँखें, ये ऑप्शन है 4 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन से, IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखों को ठीक से खोलने में असमर्थ है, इस मामले में ऑपरेटर को क्या करना
सकता है। इसका जो सटीक आंसर है वो 3 नंबर है, अपने हाथों की मदद से नामांकन करता की आंखें खोलने में सहायता कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बार बार प्रयास करने के बावजूद में के उंगलियों की छाप की सही गुणवत्ता नहीं ली जा रही है, तो इस मामले में क्या किया जाना चाहिए। इसका जो सटीक आंसर है वो 1 नंबर है, केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन अगले पेज पे चलते हैं। यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगलियां है तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगलियों को अनदेखा कर देना चाहिए। इसका जो सटीक आंसर है सच है भाई, 1 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर निवासी किसी उंगली या आयरिस में अस्थायी क्षति है तो बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे पौधों में रिकॉर्ड करेगा। इसका जो सटीक आंसर है सच है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर ब्लैंक कर सकता है। इसका जो सटीक आंसर है दिए गए सभी विकल्प है, जिसमें विकल्प देखिए नामांकनकर्ता की अनुमति ले और उसकी सहायता करें, फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करें कि नामांकनकर्ता इसको बराबर करने में सक्षम हो। अगला ऑप्शन है दूसरे हाथ की उंगलियों के निशान का दोनों हाथों के निशान लगाए। इसके यही देखिए 4 नंबर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नामांकनकर्ता ब्लैंक के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है या अपवाद है, इस प्रकार संभालने की आवश्यकता है। इसका जो सटीक आंसर है वो 4 नंबर है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर नामांकन की केवल एक आंख और आयरिस की छवि कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को ब्लैंक करना चाहिए। इसे जो इसका सटीक आंसर है इसे प्रणाली में दर्ज करना चाहिए, 2 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसंख्या के अध्ययन के लिए फिंगरप्रिंट आयरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है, तो यह सही है, अनिवार्य होती है। इसका 1 नंबर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर स्वीट्स या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आयरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। इसके बाद सटीक आंसर सच है, 1 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नामांकनकर्ता के हाथ सूक्ष्म है और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है तो ऑपरेटर ब्लैंक कर सकता है। इसका जो सटीक आंसर है 4 नंबर, जिसमें 1 और 2 दिए गए हैं। नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहें और विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े के हाथ साफ करने के लिए कहें, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक या दोनों आंखों के अभाव में आयरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसका जो सटीक आंसर है 1 नंबर है, सच है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां फटी हुई है तो निम्न में से क्या किया जा सकता है। इसका जो सटीक आंसर है वो 4 नंबर है, ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिए जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है तो यह एक सामान्य अपवाद है, तो इसका जो सटीक आंसर है सच है, 1 नंबर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। इसका जो सटीक आंसर है झूठ, 2 नंबर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में अक्षम है तो नहीं है तो कारण को अपवाद माना जाएगा। इसका जो सटीक आंसर है 1 नंबर है, सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली है तो अतिरिक्त उंगलियों को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। इसका सटीक आंसर सच है, 1 नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि प्लेटेंट पर लिया गया ब्लैंक अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए अधिक बार प्रयास कर सकता है। इसका जो सटीक आंसर है वो है 2 नंबर, उंगली की छाप लेने के लिए अधिक प्रयास कर सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक या दोनों आँखों न होने के कारण आयरिस छवि को लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को ब्लैंक करना चाहिए। इसका जो सटीक आंसर है सिस्टम में रिकॉर्ड करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। इसका जो सटीक आंसर है झूठ है, 2 नंबर है, यह अपवाद नहीं है। यदि स्वीट्स या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर ब्लैंक का प्रयास कर सकता है। इसका जो सटीक आंसर है रिकैप्चर हटा देने का प्रयास कर सकता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी है और अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने के अब बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? इसका जो सटीक आंसर है वो 2 नंबर है। ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर का स्वयंसेवक के से कह सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है, बीमारी के कारण बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने का या तस्वीर ले के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने में स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकता है? इसका जो सटीक आंसर है, उपकरण को नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकता है, 1 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि निवासी का आयरिस या उंगली में अस्थायी क्षति है और बायोमेट्रिक के कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। इसका जो सटीक आंसर है वो सच है, 1 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है? इसका जो सटीक आंसर है, सामान्य रूप से कैप्चर कर देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है जो कि क्रियाशील प्रतिक्रिया है, वो स्थिति ब्लैंक द्वारा संभाला जाना चाहिए। इसका जो सटीक आंसर है, दिए गए सभी प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करना, बैकअप बेहतर प्रकाश वाले कैमरे में स्टेशन स्थानांतर करना, एक पारदर्शी दीवार विभाजित के माध्यम से बैकअप बैंड्रॉप रखे, यह 4 विकल्प है, सभी दिए गए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर निवासी की उंगली या आयरिस में अस्थायी क्षति है तो बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं हो तो ऑपरेटर इसे ब्लैंक में रिकॉर्ड करेगा। इसका जो सटीक आंसर है वो है 3 नंबर है, अपवाद एक्सेप्शन में रिकॉर्ड करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामान्य अपवाद के तहत आता है? इसका जो सटीक आंसर है वो है 3 नंबर है, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, रंगा एक लकड़ा रहा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई है, इस पर पट्टी बंदी है, ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि को कैसे कैप्चर कर सकता है? इसका जो सटीक आंसर है वो 2 नंबर है, ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक नामांकनकर्ता ब्लैंक के कारणों या UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में स्थिति में नहीं है होगी, तो इसका जो सटीक आंसर है, दिए गए सभी ऊपर चोट लगा होगा या कटी हुई उंगलियाँ होगी या आँखों से संबंधित समस्याएँ होगी तो नहीं दे सकता। तो ओके, तो आप आसानी से अपना चैप्टर वाइज अपना देखकर एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरे 5 चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं जाकर। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटी को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और आधार के रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के वीडियो को